आपका क्या बोले? जब मालकिन बोला हुआ था तो आपको अच्छा नहीं लगा था ना? बिल्कुल नहीं। चलिए हम आपकी समस्या अभी दूर कर देते हैं। अच्छा ये बताइए, आप अपनी माँ को क्या बुलाती हैं? तो फिर हम हो गए ना आपकी मौसी? मौसी? हाँ, माँ जैसी मतलब मौसी। क्यों, अच्छा नहीं लगा आपको? बहुत पसंद है। चलिए अब सो जाइए। बादशाह भाई क्या कर रहे हो? मैं हूँ खलासी। अरे क्या कर रहे हो बादशाह भाई? हंस जाएंगे। चलो निकल चलते हैं। क्या कर रहे हो? हंस जाओगे। चकोर, मेरी गुड़िया, सो जा बिटिया, सो जा। सो जा। कितना काम किए के वास्ते और तुम ये सोए रहे हो? ये गांव नहीं शहर है। अरे पर हम तो गांव के हैं ना, इसलिए जल्दी उठ गए। पर हमारी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई है। चलो तुम भी नींद लो, जाओ सो जा। आदित्य उठ गए बेटा? बोले रहे ना। सिंगार करके सुबह सुबह कहाँ जाना है? हमारे साथ खेतों में आना है का? चीची, हमको खेती थोड़ी ना करनी है। तो फिर क्या करना है? हमको तो यहाँ गांव में खेलने जाना है। हमको न
रख दीजिए का जो हवेली में चले जाइए। हमका आम बेचे का जाना है और वहाँ से हवेली माँ। अच्छा ठीक है, पर ज्यादा दूर नहीं जाए, हाँ इधर ही पास में खेलना, ठीक है? माई माई तू बहुत ये तब संभाल के, हाँ अपना ख्याल रखना। चल जा, भाग जा, भाग भाग भाग, संभाल के। चकोरिया के जाने के बाद इमली कितनी सयानी हो गई है ना, और अकेले भी। चल चल खेत में चल, जब देखो चकोरिया की चिंता करत रहे। चल हाँ, ब्रेड को बटर लगा दीजिए, अब मैं जूस बना रही हूँ, तब तक तुम पराठे के लिए आटा गूंद देना और तुम ऑमलेट के लिए प्याज काट देना, ठीक है? ठीक है। क्षमा करना दीदी, हमका देर हुई गई। और मेम साहब ने देख लिया तो हमें जेल करवा देंगे। दीजिए, हमें दीजिए। हमको प्याज काटे दो ना, हम अच्छे से काट लें। सभी बच्चे यही कहते, लाइए दीजिए हमें। अरे कहाँ जा रही हो? ये आपका काम नहीं है, हम कर लेंगे ना। चलिए छोड़िए ये बर्तन। दीदी कर लेना दीदी। अरे आप जाइए यहाँ से, हमने कहा ना आप जाइए यहाँ से। अच्छा ठीक है ठीक है, गुस्सा काहे हो रहे हो? अब आप इसे लेकर कहाँ जा रही है? दीजिए हमें दीजिए। अरे देखिए बात की डर है ना कि हम आपकी जगह ले लें, बोलो है कि नहीं? पर ऐसा कुछ नहीं है, पहले हवेली में लाली को भी यही लगा था पर बाद में वो हमारी दोस्त बन गई। जाना तो जब कभी लाली अपने नाखून का नेल पॉलिश लेने बाजार जात रही तो हमको सारा काम करी और हवेली में कोई को कोनो खबर नहीं पड़ी। अब देखो आप कैसन करते सफाई। मेम साहब, मेम साहब। अरे मौसी को क्या बुलाओ तो? हम आपस में सुलझा ली ना। हाँ क्या हुआ? चकोर आप ये झाड़ू के साथ क्या कर रही हैं? अजीब लड़की है मेम साहब, एक काम से हटवाया तो दूसरा काम करने लगती है। अब जब सबसे हटाया झाड़ू हाथ में पकड़ ली। मौसी इन सबको डर लगे है, ये सब काम हम करिए तो इनकी छुट्टी हो जाए, पर हम काम किए तो आप इनका नहीं निकालोगे ना। आप
बता दीजिए सबका कि हम जब काम करिए तो आप इनका नहीं निकालोगी। बताइए ना इनका। सुना आपने क्या कह रही है? चकोर यहाँ आओ बेटा। ये यहाँ देखिए बेटा, आपको इस घर में ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब इनका काम है, इन्हें करने दें। तो फिर हम सवेरे उठकर क्या करेंगे? हाँ क्या करेंगे हम? जो सब बच्चे करते हैं, नहाइए, नाश्ता कीजिए, पढ़िए, खेलिए कूदिए, ठीक है? चलिए। आज से आप रोज सुबह यहीं नहाएंगे। यहाँ कोना झरना नहीं है का नहाए के खातिर जीमा बहुत सारा पानी भरा हो? है ना, यहाँ भी झरना है जहाँ खूब सारा पानी है। नल खोलिए। खोलिए इसे, डरिए मत। ऐसे कीजिए उसे, ऐसे। क्या हुआ? आप तो कहती हैं कि आप बहुत निडर हैं, फिर क्या हुआ? अरे मियां रे, इतने छोटे नल में इतना बड़ा झरना, का ठंडा ठंडा पानी आया है, बहुत मजा आया। अच्छा अब आप आराम से नहा लीजिए, साबुन वहां रखा है, हम जब तक देखकर आते हैं कि नाश्ता बनाए या नहीं, ठीक है? मुट्ठी में हवा के झोंके हैं, ख्वाबों की उड़ाने आँखों में, मुट्ठी में हवा के झोंके हैं, ख्वाबों की उड़ाने आँखों में, चुटकी में उजाले बांधे हैं, खुशबू के ठिकाने बाहों में, पर लगे उन सपनों के कदमों तले, आसमां है आसमां है ये। हम केस की डिटेल्स के बारे में आपसे बाद में बात करेंगे। ये लीजिए आपकी ब्रेड पे लगा दिया हमने। चलिए जल्दी से दूध पीजिए, स्कूल जाना है आपको। ये लीजिए आपका दूध। मम्मी हम जानते हैं दूध में प्रोटीन कैल्शियम होता है, पर हम अगर प्रोटीन कैल्शियम किसी और चीज से ले तो कैसा होगा? जैसे कि फ्रेश जूस, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग, पनीर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आदि, हम समझ रहे हैं आपकी बात, पर फिलहाल ये प्रोटीन और कैल्शियम आपको दूध से ही लेना पड़ेगा, आपके लिए ये अच्छा रहेगा, इसलिए चुपचाप दूध पी लीजिए आप। कुछ ज्यादा स्मार्ट नहीं हो गए आपके साहबजादे? पापा ये दूध आप चकोर को पिलाइए, उसे कैल्शियम की बहुत जरूरत है। और आपको जरूरत नहीं है। और ये चकोर है कहाँ? वो नहा रही थी, शायद नहा चुकी होगी अब, हम अभी बुला कर लाते हैं। ये पानी कहां से आ गया? हे भगवान, हमने चकोर को नहाने के लिए अकेले छोड़ दिया था, शायद उसने सारे नल खोल दिए। बहुत मजा आया।
झाग थी का सुगंध है। भूत मुझे आया। स्वागत है आपका। मम्मी हमने कहा ना हम नहीं जाएंगे स्कूल, हमें नहीं पढ़ना रागिनी के गंदे स्कूल में। अरे नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, जहां पर विद्या मिलती है उस जगह को गंदा नहीं कहते। क्या हुआ? आप रागिनी के स्कूल में पढ़ना नहीं चाहते? नहीं। की भर्तियां आंगनवाड़ी में करवा देते हैं। देखिए इधर, इस घर में वही होता है जो हम चाहते हैं, और हमारा फैसला है कि आप उसी स्कूल में जाएंगे जो हम कहेंगे, वरना खेत खलियानों में उठा के फेंक देंगे। वहां मजदूरों के साथ मजदूरी करते रहना। आप चाहे आजादगंज में पढ़ें या फिर लखनऊ, आप हमेशा अव्वल आएंगे क्योंकि आप हमारे बेटे हैं। मनोहर भैया आप कुछ कहना चाहते हैं? बड़की बोजी, अपना सूरज भी ना बहुत समझदार है, देखिएगा ये बहुत मन लगाकर पढ़ाई करेगा और ये भी अपने कक्षा में अव्वल आएगा। बिल्कुल हमारे विवान की तरह। अब हम चलते हैं। आदि आपका प्रोटीन कैल्शियम वेट कर रहा है आपका, खत्म करो उसे। बाय अम्मा। बाय चकोर। वाह क्या बात है आदित्य, सीखे कुछ चकोर से, हमारे कहने से पहले इन्होंने सारा दूध खत्म कर दिया। और एक आप हैं जिन्होंने दूध को हाथ भी नहीं लगाया अभी। मम्मी स्कूल से वापस आने के बाद पी लूंगा। स्कूल से आके पियेंगे, रोज के बहाने ही आके। फिर आप स्कूल से आने के बाद यही बहाने देंगे कि लंच टाइम पे दूध पीने से पाचन शक्ति कमजोर होती है। मम्मी प्लीज आने के बाद पी लूंगा। बस दूध पीना है मतलब पीना है। हम आपका लंच बॉक्स लेकर आ रहे हैं, ये पहले फिनिश होना चाहिए। ओके चकोर, हमारा एक काम करोगी? का? मम्मी के आने से पहले ये सारा दूध खत्म कर दो। का? अभी तो हम पूरा गिलास पिए हैं। एक और पी लो, तुम्हें कैल्शियम की बहुत जरूरत है। ये लो जल्दी तुम पी लो। का? 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 कैल्शियम? का होता है? बाद में बताएंगे। ठीक है, पर बदले में मेरे काम करना पड़ी है। करेंगे करेंगे बाबा, जल्दी पियो जल्दी पियो ना, मम्मी आ जाएगी। आदित्य ट्यूशन बैग से बुक निकालकर स्कूल के बैग में रखी बेटा। अरे वाह ये हुई ना बात। अच्छा चलो जल्दी से, हम लेट हो रहे हैं। मौसी हम कभी स्कूल जाना है। तू स्कूल जाके क्या करोगी, तुम्हें तो अंदर भी नहीं आने देंगे। आदित्य ठीक कह रहा है, स्कूल जाना कोई मजाक नहीं है, हर चीज की हद होती है कोई। अरे मैं तो तुम्हारी वर्कबुक ही रखना भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। हाँ विवान भी इसी शहर में पढ़ते हैं, का पता वो तुम्हारे स्कूल में हो और हम कम नहीं जाए। एक गाँव नहीं है, यहाँ पे बहुत से स्कूल है, क्या पता वो कौन से स्कूल में पढ़ता हो,
पर देखने में कहा जाता है। और सुनो, अगर तुम हमको अपने स्कूल नहीं ले गए ना, तो हम मौसी को बता दें कि तुम अपना सारा दूध हमको पिलाई दी। ठीक है आदित्य, चलो बेटा जल्दी, हम लेट हो रहे हैं। मम्मी, चकोर भी हमारे साथ स्कूल आएगी और ड्राइवर अंकल के साथ वापस आ जाएगी। अरे अगर जाना ही है तो कपड़े बदल कर जाइए। ठीक है मौसी, हमारे पास तो दो ही कपड़ा है। हम आपके लिए कपड़े ले आए हैं और वो आपके कमरे में है। चलिए हम आपको अच्छे से तैयार करते हैं। मुट्ठी में हवा के झोंके हैं, ख्वाबों की उड़ाने आँखों में। मुट्ठी में हवा के झोंके हैं, ख्वाबों की उड़ाने आँखों में। चुटकी में उजाले बांधे हैं, खुशबू के ठिकाने बाहों में। पर लगे यूं सपनों के कदमों तले, आसमां है चाचा, थोड़ा जल्दी कीजिए, अगर स्कूल का गेट बंद होगा तो हम अंदर कैसे जाएंगे? बाबा जाम बहुत लगा है, चल तो रहा हूँ। एक दीवान का टुकड़ टुकड़ देखा तो तुमका पहचाना तो का हमारे विवान को। सारे स्टूडेंट आ चुके हैं, इनमें तुम्हारा विवान कहीं नहीं है ना, इसका मतलब कोई आना ही पड़ता। अब तुम लक्ष्मण अंकल के साथ घर जाओ, हमारे स्कूल की बेल भी बज चुकी है, अब हम जाते हैं। लक्ष्मण अंकल, आप चकोर को अपने साथ घर लेकर जाइए। आओ बेटा। का सब खुद लाएंगे तो हम विवान को कहाँ ढूंढनी है? बशीर चाचा, जल्दी कीजिए, बहुत लेट हो गए। बस पहुंच गए विवान बाबा, ये आगे गाड़ी वाला आड़े आ रहा है। अरे तो कुछ कीजिए, फोन मारिए उसे, हटने कहिए उस गाड़ी वाले को, स्कूल के लिए देरी हो रही है। शहर माना कितना भूपू बुझावत है, वो रामू काका भी ना कुछ काम के नहीं है। कभी कभी तो अलग अलग रंग के मोजे दे देते हैं, कभी कभी तो जूते भी पॉलिश करना भूल जाते हैं। देखो आज लेस भी बराबर नहीं बांधी। खंडे तो कब का बच रही, जो भी वो गाड़ी में रहा उसका स्कूल गया।
छोकरी तो वो रख। चल चल निकल निकल। अरे कहाँ घुसा चला जा रहा है, है? निकल निकलना तो यही तेरा काम तमाम कर देंगे हम, है? चल देर से आने वाले बच्चों को एंट्री नहीं है, जाओ। ना हमारी गलती नहीं है, एक तो हमारा ड्राइवर लेट आया और ऊपर से ट्रैफिक भी बहुत थी, प्लीज हमें अंदर आने दीजिए। हमने कहा ना देर से आने वाले बच्चों के लिए एंट्री नहीं है। देर हमसे नहीं, हमारे ड्राइवर से हुई है, आप समझते क्यों नहीं है, प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए। देर किससे भी हो हमसे क्या, जाओ अब घर जाओ और कल टाइम पर आना। अरे प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए। कहा ना जाओ। हम नहीं खाते, और हाँ स्कूल में हमसे दूर ही रहना, और अगर किसी को बताया कि हम फेल होके स्कूल में आए हैं तो अच्छा नहीं होगा। सड़क की चीज नहीं खाते, बड़े आए राजा साहब। एक प्लेट हमें भी देना। अरे तुमने उसे भगा दिया, जानती हो वो कौन है, हवेली की लड़की है। हवेली की लड़की? अरे मैया तो हमको दीदी तक पहुंचा ही देगी। नहीं बिटिया, बस एक बिनती करनी थी। बिनती? हाँ बिटिया, एक बात कहनी थी तुमसे। क्या बात है? बिटिया वो सामने दुकान है ना केले वाले की, वहाँ से हमें केले लेके आने, और तुम गाड़ी में ही बैठी रहना, कहीं पे जाना मत बिटिया। क्या ऐसा हो सकता है बिटिया कि तुम उस दिन की तरह उतर के भागो नहीं, यही बैठी रहो। ठीक है, पर बदले में हम का काम मिल रही है। बदले में बिटिया 5 मिनट का तो बात है, अब 5 मिनट के बदले में भी तुम्हें कुछ चाहिए। देखो हम ना पहली बार लखनऊ आए रहे हैं, और तुम बोला तो कि मुकदमा बैठे रहो। अरे हमारे लिए तो लखनऊ मेला जाने जैसा हुआ ना। अरे बिटिया ये कोई मेला नहीं है, यहाँ सब्जी तरकारी और फल फ्रूट का दुकान है बिटिया। वो दादी की पूजा के लिए ना हमें केले खरीदने हैं, तो बस हम अभी गए और अभी आए। अच्छा ये और बता दो कि तुम्हें बदले में क्या चाहिए। आप केले खरीदने जा रहे हो, हमारे लिए भी ले लेना, हम भी भगवान जी को चढ़ा दे। क्यों चढ़ाई है यही पूछ लेना तारे को। आदत है कि मैं हमारी मौसी हुई गई है, हमका ये नया कपड़ा दिया, नए जूते दिए, और हमारी माई बोलत रही कि जब भी कछु नया मिले ना तो डाक बाबा को प्रसाद चढ़ाना भूलो ना थी। डाक बाबा? हाँ, तो को मालूम है कि डाक बाबा का पेड़ यहाँ लखनऊ में कहाँ है? नहीं बेटिया हमको नहीं मालूम। अच्छा अच्छा छोड़ो, तुम खुद ही ढूंढ ले बाद में। अब जल्दी करो वरना दादी से डंडा मिली है। तुम बैठो, बस हम अभी गए और अभी आए, कहीं जाना मत बेटिया, हम अभी आए। यही बैठी रहो, कहीं जाना मत।
अच्छा भैया लड़की के ड्राइवर, एका मतलब की गाड़ी आसपास में ही कहीं है। हाँ। और छोकरिया अकेले होगी गाड़ी में। चल, और एक बात ध्यान रखना, कोई गड़बड़ ना होने पाए। गाड़ी रोको, उनको मार्केट जाना है। विमान बाबा यहाँ कहाँ? स्कूल तो मिस हो गया, पूरा दिन है हमारे पास घूमने फिरने के। चलो। यहाँ कहाँ, यहाँ तो सब तरकारी भाजी बेचने वाले लोग हैं, यहाँ आपको क्या मिलेगा? हमको गोल मार्केट ले चलो, वहाँ हमारा विमान बाबा इतनी सुबह तो काला खट्टा वाला भी नहीं आया होगा। इंतजार कर लेंगे, मार्केट घूम लेंगे तब तक। अच्छा ठीक है, हम गाड़ी यहीं किनारे लगा देते हैं, तब तक आप बाजार घूम लीजिए, ठीक है? पैसवा लगता है बोरी का। अच्छा ठीक है भैया, जाओ, तोरे खातिर सब मुफ्त है। पाशा भाई, बोरी का साइज तो ठीक है। चल से एक काम कर, तू इधर से जो, हम उधर से जाते, जैसे ही दरवाजा खुले छोकरिया को दबोच लेंगे, ओके, बोरी में डाल देंगे, समझे? समझ गया पाशा भाई। छोकरिया गई कहाँ? अरे बिटिया तुम यहाँ, तुमको तो हम गाड़ी में बैठा के आए रहे ना, यहाँ काहे आ गई? एक मिनट ड्राइवर काका, कितना भाव दिए? 20 रुपया दर्जन बिटिया। 20 रुपया दर्जन? ये तुम कल लूटे थे? हम वहाँ दूसरे केले वाले के पास गए रहे और वो इतने रुपए में से इतना ज्यादा केला दे रहा। अच्छा कहाँ, हम तो यहीं से लेते हैं हमेशा। काका, आप ड्राइवर काका को बहुत समय से धोखा दे रहे हो। अभी हम वहाँ गली माँ लेके जाइए, वहाँ से केले दिलाई है और फिर तुम्हारे पास वो कभी ना आई है, फिर सोच लो। हम धीरे धीरे सबको बता दी काका, यहाँ कान नीचे करो, यहाँ एक एक करके सबको बता दे, ये गनीमा केला वाला है, वहाँ इसमें बड़े बड़े केले मिले थे, वे सस्ते माँ। फिर कौन आई है तुम्हारे पास? कौन आई है? कौन आई बेटिया? कोई भी नहीं, तुम्हारा केला यहाँ रख रख के सड़ गई है और इतनी गंदी बदबू आ रही है। ये 6 केले और लो भाई, और जाओ यहाँ से। एक केला हम भी ले ले। ठीक है ले लो। और कुछ चाहिए? नहीं बेटिया। चलो चलो, हाँ लड़की है भाई। Yeah.
पाशा भाई आप ठीक तो हो ना? अरे हाँ ठीक है। केला के छिलका फेंका कौन आके? हम वहां चला रहे थे और पता नहीं वो गायब हो गया। आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? एक बार चल के तो देखो। अरे आपके पैर में तो मूंच आ गई है, चल के तो देखो। तुम कभी भी कहीं भी भाग जाती हो? अरे बाबा आफत की पुड़िया हो, लड़की हो, बहुत तंग करती हो। चलो आप ना इनका ध्यान रखना, पकड़ के चलना और हल्दी चूर्ण लगाई लेना, जल्दी ठीक हो जाइए। चलो चल। क्या कर रहे हो पाशा भाई? इतनी सारी पब्लिक है और वो सामने पुलिस वाला भी है। चलो विवान बाबा, ये काला खट्टा खाने से जबान काली हो जाती है। वही तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, अब घर चले। नहीं नहीं, हमें और घूमना फिरना है, चाट पकोड़े खाने। तुम्हारी वजह से हमारा स्कूल मिस हुआ है। अभी हम घर जाएंगे तो मम्मी नाना नानी सब हमें लेक्चर सुनाएंगे, तो हम बोल देंगे ये सब तुम्हारी गलती से हुआ है, फिर तुमको ही डांट खानी पड़ेगी। तो फिर वो करो जो हम कहते हैं, हम ये गोला खत्म कर ले तो मैं मॉल लेके चलो। जो हुकुम बाबा, हम गाड़ी में बैठते हैं, आप आ जाइए। बेटा यही खड़े रहना है, हम अभी गाड़ी लेके आते हैं। और घूम गए, फिर से हमका नहीं घूमना।